नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में चाय पीने के लाभ के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चाय के बारे में क्या कहें, यह तो हमारी और आपकी ज़िंदगी से इस हद तक जुड़ चुकी है कि अब यह चाह कर भी दूर नहीं की जा सकती। सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों की शाम, चाय पीना तो बनता ही है। कई लोगों की तो दिन की शुरुआत ही चाय से होती है और चाय पर ही ख़त्म होती है। अगर आप भी चाय के प्रेमी हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना चुके हैं, तो चलिए आज हम जान लेते हैं इसके कुछ स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में, चाय पीने के फायदों के बारे में। उम्र बढ़ाए। चाय में एंटीऑक्सीडेंट शामिल होता है। चाय उम्र बढ़ाने और प्रदूषण के प्रभाव के प्रकोप से आपके शरीर की रक्षा करती है। कम कैफीन। चाय में कॉफ़ी की मुकाबले कम कैफीन होता है। कॉफ़ी में आमतौर पर चाय से 2 से 3 बार अधिक मात्रा में कैफीन पाई जाती है। 8 औस कप की कॉफ़ी में 8 औसत कप की कॉफ़ी में 135 मिलीग्राम के आसपास कैफीन होता है। वहीं पर चाय के प्रति कप में केवल 30 से 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। यदि कॉफ़ी पीने से आपको अपच, सिर दर्द या सोने में कोई परेशानी होती है तो बिना सोचे चाय की ओर रुख कर लेना चाहिए आपको। दिल का रोग। चाय दिल का रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकती है। चाय पीने की वजह से धमनियां चिकनी और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हो जाती हैं। 6 कप से अधिक चाय पीने से दिल की बीमारी होने का खतरा 1/3 कम रहता है। हड्डियां बने मजबूत। चाय आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें दूध मिला होता है, बल्कि एक अध्ययन में उन लोगों की तुलना एक साथ की गई जो चाय का सेवन 10 साल से करते आ रहे हैं और जो चाय नहीं पीते हैं। अध्ययन में पाया गया कि चाय पीने वालों की हड्डियां, उम्र, अधिक वजन, व्यायाम, धूम्रपान और अन्य रिस्क फैक्टर्स के बावजूद भी मजबूत हैं। दांत बने दुरुस्त। चाय पीने से आपके दांत मजबूत बनेंगे। जी हाँ, अगर आप बिना चीनी की चाय पियेंगे तो ऐसा जरूर होगा। रोग से लड़ें। चाय पीने से आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में बहुत मदद मिलती है और सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियां चाय पीने से कम से एकदम गायब हो जाती हैं। कैंसर से बचाएं। चाय कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा करती है, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट मिला होता है। इन दोनों के प्रभाव से कैंसर से लड़ने के लिए बहुत मदद होती है। पानी की कमी पूरा करें। चाय हाइड्रेटेड रहने में मदद करती है। चाय हमारे शरीर की जरूरत है, जबकि कॉफ़ी पीने से पेशाब ज़्यादा लगती है, इसलिए यह शरीर में ज़्यादा देर तक न रहकर बाहर निकल जाती है, इसलिए हमारे शरीर में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती और हमें डिहाइड्रेशन भी होने का खतरा बना रहता है। कम कैलोरी। चाय कैलोरी मुक्त होती है। चाय में किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं होती है। जब तक आप उसमें किसी प्रकार का स्वीटनर या दूध न मिला दें, यदि आप एक संतोषजनक कैलोरी मुक्त पेय पीना चाहते हैं तो आप उसमें सबसे सेफ ऑप्शन है चाय। फैट घटाएं। चाय पीने से आपके शरीर का
मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और कई लोगों की शिकायत होती है कि व्यायाम करने पर भी उनका वजन नहीं घटता, पर अगर आप ग्रीन टी पियेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। इससे 70 से 80 कैलोरी आराम से बर्न हो सकती है। इसके साथ ही आपको रोज 30 मिनट वॉक भी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चाय के कुछ फायदों के बारे में, चाय के कुछ लाभ के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।